नोएडा में निजी स्कूलों की मनमानी से तंग अभिभावकों ने जिलाधिकारी निवास पर किया प्रदर्शन। बोले अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई करे प्रशासन। गौतम बुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावक प्रदर्शन कर अपनी मांगे जिला प्रशासन के सामने पेश कर रहे हैं। आज सुबह सैकड़ों की संख्या में अभिभावक नोएडा जिलाधिकारी निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। पेरेंट्स की मांग है कि स्कूल पहले ही ऑनलाइन परीक्षा करवा चुके हैं, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा कराने का दबाव बना रहे हैं। अभिभावकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज कटारिया, आम आदमी पार्टी के नोएडा के महासचिव संजीव निगम, समाजसेवी सोनिया शर्मा और कई दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल होकर अभिभावकों का समर्थन दिया। पेरेंट्स की मांगों के बारे में बोलते हुए मनोज कटारिया ने कहा, प्रशासन से सिर्फ उन्हें आश्वासन मिल रहा है। जब भी अभिभावक इन अहम मसलों को लेकर जिला प्रशासन से मिलते हैं, उन्हें यकीन दिलाया जाता है कि जल्द ही इनका समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी मांगों पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज प्रदर्शन में दो अहम मांगे रखी गई। मनोज कटारिया ने बताया कि कुछ बड़े निजी स्कूलों ने ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिया है, जबकि पिछले 11 महीनों से बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। कोरोना महामारी का खतरा भी टला नहीं है, कई जगहों पर यह है और ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। लॉकडाउन फिर से लगने लगा है, ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचा रहे हैं, और यह सही भी है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से परीक्षाएं संपन्न कराने का विकल्प दिया था, लेकिन स्कूल अभिभावकों को सिर्फ ऑनलाइन मोड का विकल्प दे रहे हैं। अभिभावकों की मांग है कि जब कक्षाएं ऑनलाइन चल रही थी तो उसकी फीस ऑफलाइन क्लास के बराबर क्यों वसूली जा रही है। प्रशासन को इस बात पर काम करना होगा और ऑनलाइन क्लास के मुताबिक फीस का निर्धारण कराना होगा। देखिए, आश्वासन तो हमें हर बार मिलते ही है, जब भी हम आते हैं एक आश्वासन मिल जाता है, हम चले जाते हैं, फिर वही जो प्रॉब्लम है एज इट इज खड़ी रहती है, फिर द्वार से हमें आना पड़ता है, फिर आश्वासन मिल जाता है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कार्य चाहिए पूरा, कि जो जिसकी शिकायत हम लेके आए तो उसका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। किन शिकायतों को लेकर आए आज? हमारे दो मुख्य शिकायतें थी कि कुछ स्कूलों ने अचानक ऑफलाइन परीक्षाएं स्टार्ट कर दी हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब 11 महीने से बच्चे ऑनलाइन मोड में अपनी स्टडी कर रहे थे, तो अचानक ये ऑफलाइन मोड क्यों स्टार्ट किया है? अभी कोविड गया नहीं है, धीरे धीरे अब फिर दोबारा से बढ़ भी रहा है, तो ऐसे में बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। तो जब गवर्नमेंट की भी आदेश है कि दोनों तरह के मोड्स में बच्चों को आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो केवल ऑफलाइन का ही ऑप्शन क्यों दिया स्कूल ने? दोनों ऑप्शन क्यों नहीं रखे हैं? ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी हमारी मांग थी कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे स्कूल पूरी फीस वसूल कर रहा है, तो क्या जब स्कूल के खर्चे कम हो गए हैं, उन्होंने हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से हमें शिक्षा नहीं मिल पा, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इसकी फीस भी कम की जाए, तो प्रशासन क्यों नहीं आदेश देता, या शासन क्यों नहीं आदेश देता स्कूलों को कि ऑनलाइन के हिसाब से ही वो अपनी फीस वसूल करे। अभिभावकों से मुलाकात के बाद जिला अधिकारी ने बताया कि एक टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एडीएम करेंगे। ये टीम अभिभावकों और स्कूल का एक मीटिंग करवाएगी, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि कुछ ही अभिभावक ऑफलाइन एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, बाकी सभी अभिभावक ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र यादव, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और जैसा कि अभी मनोज कटारिया जी ने पूरा विस्तार से आपको बताया, तो उनकी जो समस्याएं हैं 100% सही हैं। बच्चों के लिए जब लड़ रहे हैं, बच्चों की आपने साल भर पूरे ऑनलाइन पढ़ाई कराई, तो आखिर में ऐसी कौन सी व्यवस्था है आपके पास जो आप मजबूर हैं? ज़्यादातर स्कूलों में दोनों ऑप्शन रखे हैं, तो आपको भी ये रखना चाहिए। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये शायद ऊपर से शासन से निर्देश भी हैं इन लोगों के पास, और सही मायने में इनका कंट्रोल नहीं है प्राइवेट स्कूलों पर। आप ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बगल में चले आइए, यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली में आप देखिए प्राइवेट स्कूलों की ना फीस बढ़ने दी, सरकार वहाँ भी ये काम कर रही, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है। तो इस तरीके की सरकार का अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या मतलब है? और मैं समझता हूँ कि आगे हमारे दिनों में अभी एक साल रह गया है चुनावों के, अब आम आदमी क्या करेगा बताइए? मनोज जी भटक रहे हैं यार। आश्वासन क्या मिला है? उन्होंने कहा है आप अपने नाम और मोबाइल नंबर लिख करके दे दीजिए, तो इन्होंने भूपेंद्र जो हमारे कटारिया साहब हैं, मनोज कटारिया, इन्होंने लिख करके दे दिया है। अब इनकी तरफ से कोई चीज़ आएगी मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है कि कुछ हमें बहुत तत्काल मिलने वाला है। ये तो एक खानापूरी इन्होंने करके ले लिया है। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, शासन चाहे, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इनकी नीयत ऐसी नहीं है कि जानबूझ करके आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। सामान्य आदमी बिल्कुल भटक रहा है, और नहीं ये इसको निजात दिलाएंगे तो एक वर्ष रह गया है शेष, एक वर्ष के अंदर आम आदमी स्वयं अपनी तरफ से अपने हिसाब से सरकार भी चुन लेगा और नई व्यवस्था भी बदल लेगा। मेरा नाम सोनिया शर्मा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की मुख्य सचिव हूँ। आज आप यहाँ पे आई हैं, किन मांगों को लेकर आई हैं? हम स्कूलों के मैटर को लेकर ही है। रायन स्कूल में हमारी प्रिंसिपल से बात भी हुई थी कि ऑनलाइन अगर पूरे साल बच्चों को पढ़ाया गया तो ऑनलाइन
पेपर भी हो चुके हैं तो उसी के बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। एक कंसेंट फॉर्म स्कूल ने निकाला है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि अगर आपके बच्चे को कोरोना होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होगी, हमारी नहीं होगी। और उस फॉर्म को जब तक हम साइन नहीं करेंगे बच्चा अंदर अलाउड नहीं है। मतलब एक ज़बरदस्ती है स्कूल की। प्रिंसिपल से जब बात हुई तो उन्होंने हमें सिर्फ एक ये बात बोली कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो भी तो आप एक कंसेंट फॉर्म साइन करते हो। मतलब हमारे बच्चे को एक पेशेंट की तरह उन्होंने ले लिया और बहुत ही गलत बात बोली, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।